बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम सुपर एक्सीलेंट एकेडमिक एंड इंटेलिजेंट बुक की इंटेलिजेंट टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। डियर स्टूडेंट, बी और डी के दरमियान एक अल्फाबेट सी का डिफरेंट आ रहा है, इसी तरह डी और जी के दरमियान दो अल्फाबेट ई एफ का डिफर है, इस तरह जी और के दरमियान तीन अल्फाबेट एच आई जे का गैप आ रहा है, इस तरह के और पी के दरमियान चार अल्फाबेट एल एम एन ओ चार अल्फाबेट्स का गैप आ रहा है, इस तरह नेक्स्ट जो पी और वी के दरमियान पांच अल्फाबेट का गैप क्यू आर एस टी आ रहा है, इसलिए से हमारा आंसर होगा वी। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। डैगर खंजर, स्वर्ड तलवार, नीफ चाकू, फोक कांटा, इस लिहाज से ये कांटा इनमें डिफर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, लुकिंग ऑन अ पोर्ट्रेट ए मैन सेड दैट फादर इज माई फादर सन, आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, वट इज ही टू मी। तो डियर स्टूडेंट, एक आदमी अपने बेटे की तस्वीर की तरफ देखकर ये इशारा कर रहा है कि वो जो तस्वीर मेरे बेटे की तस्वीर है, उसका जो अबू है वो मेरे अबू का बेटा है, यानी अपने आप को इशारा कर रहा है, इसलिए वो जो तस्वीर है और जो इशारा करने वाला है उसका आपस में जो रिलेशन है वो बाप और बेटे का है, सन और फादर, इसलिए इसे हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, एड द नंबर विच कम इन द मिडल ऑफ द सीरीज टू द लार्जेस्ट नंबर एंड डिवाइडेड इट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, देन आंसर विल बी। तो लार्जेस्ट नंबर 27 है, मिडल नंबर 18 है, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 45। इसको हमने स्मॉलेस्ट के साथ डिवाइड किया जो कि 5 है, हमारा आंसर आया 9। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ट्रू यकीन, सर्टन ट्रू सच, सर्टन यकीन, श्योर यकीन, जबकि विगो शक, शुबा शक शुबा। क्वेश्चन नंबर 6, सा इज टू कट, आरा काटता है, एंड आयरन इस्त्री कपड़े प्रेस करती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। टू इवन नंबर, 4 इवन नंबर, 20 इवन नंबर, जबकि 5 ओड वन, इसलिए ये डिफर करता है, ये ताकदद है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यार्ड 36 इंच का एक यार्ड होता है, फुट 12 इंच का होता है, किलोमीटर 1000 मीटर का होता है, जबकि लेंथ की कोई डायमेंशन नहीं है, ये इसलिए इनमें डिफर कर रहा है लेंथ। क्वेश्चन नंबर 9, हेयर इज टू ईयर, यहां एच डिलीट किया गया है और क्लोज में से सी डिलीट करें तो हमारे पास आएगा लूज, इसलिए हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, गर्ल वियर ग्लासेस बिकॉज, लड़कियां चश्मा पहनती हैं क्योंकि दे हैव पुअर आई साइट, क्योंकि उनकी आई साइट कमजोर होती है इसलिए वो ऐनक पहनती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 4, 7, 3, इनको जब हमने ऐड किया 4 + 7 + 3 तो हमारे पास आया 14, इसी तरह 8, 9 और 2 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 19, इसीलिए आएगा 14 व 19, एंड इसी तरह 3, 2, 9 को अलग जमा करेंगे, 6, 8, 4 को अलग जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 और 18, इसी तरह 7 + 5 + 1 को ऐड किया तो 13 और 6 + 9 + 4 को ऐड किया तो हमारे पास 19, तो हमारे पास आंसर आया 1319 ए। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज ओड वन आउट। बो कुबड़ा, जिसके दो वी शक्ल बनाता हो, इसी तरह फाटक भी अगर गौर से देखा जाए जब तो इसके भी दो बाजू होते हैं, बो कुबड़ा, कुबड़े के भी दो ही बाजू, बाजू दो बाजू नुमा हो जाता है, वी शक्ल बन जाता है, पोर्ट्रेट फाटक भी वी शक्ल बन जाता है, इसी तरह रोज गुलाब, खिड़की भी अगर देखें तो इसके भी दो
बाजू बनते हैं दोधारी तलवार, जबकि इसमें जो डिफर कर रहा है वो रोज। क्वेश्चन नंबर 13, 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 इज टू 25, 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 इज टू 21। क्वेश्चन नंबर 14, विदर घोड़ों के शानों के दरमियान उभरी हुई हड्डी इज टू नेक, तो घोड़ों के शानों के दरमियान उभरी हुई हड्डी का तलक नेक से गर्दन से है, जबकि हुक जानवर के टखने और घुटने के बीच के गोश्त का तलक एंकल टखने से होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बेली बकरा इज टू गोट, बकरे का तालक बकरी से है, इस तरह जैक गधे का तालक डोंकी के साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 7 प्लस 6 13, 7 प्लस 8 15, सी जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट, यहां बाहर वालों को ऐड करना है, इसी तरह अंदर वालों को ऐड करना है, जो बड़ी फिगर आएगी उसमें से छोटी फिगर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर ये दरमियान वाली फिगर आ जाएगी। तो यहां हम देखते हैं कि 18, 26, 29, 16, 19, जब हमने ऐड किया इनको हमारे पास आंसर आया 108। इसी तरह 10, 13, 17, 7, 16, इनको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 63। 108 माइनस 63 हमारे पास आया 45, हमारा आंसर आएगा 45। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। 6 मल्टीप्लाई 9 प्लस 13 67, 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 19 33, 8 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 60, 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 19 हमारा आंसर आया 47। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। 11 मल्टीप्लाई 7, 9 मल्टीप्लाई 17, इसमें से जो बड़ी फिगर होगी इसमें से छोटी फिगर माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 77। इसी तरह 27 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास आया 216, 31 मल्टीप्लाई 14 हमारे पास आया 434। अब 434 में से 216 निकाला तो हमारा आंसर आया 218D। क्वेश्चन नंबर 20, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसमें ये कहता है व्हाट डे कम इमीडिएटली बिफोर द डे, तो वो जो डे होगा वो थर्सडे होगा। अब थर्सडे से पहले जो दिन आता है वो आता है बुध। द डे दैट कम टू डे आफ्टर डे, अब बुध के बाद जो दो दिन बुध जुमेरात और जुमा और हफ्ता, अब वो कहता है कि द डे दैट कम फोर डे बिफोर द डे, चार दिन उस दिन से पहले, कौन सा दिन, इमीडिएट आफ्टर द थर्सडे, थर्सडे के बाद आता है जुमा। अब जुमे के बाद जो चार दिन आएंगे वो आएंगे जुमा, हफ्ता, इतवार, सुवार और मंगल, इसलिए इसका आंसर आएगा थर्सडे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 आंसर 3, 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 आंसर 3, 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 9 आंसर 3, इसी तरह 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 आंसर 3, हमारा आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। 6 प्लस 15 प्लस 19 इनको ऐड किया, इसी तरह 7 प्लस 11 प्लस 10 इनको ऐड किया तो हमारे पास पहले जब ऐड किया तो 40 आया, बाद में ऐड किया 28, 40 से 28 निकाले तो हमारे पास आया 12, 12 आंसर आएगा इसका। इसी तरह इसमें 7 प्लस 11 प्लस 5 और 3 प्लस 4, 3 ये सवालिया मार्क है,
प्लस टू, तो 12 ये मार्क की जगह आएगा 8, हमारा आंसर आएगा 8। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, 75 द 35, 29 द 18, 68 द 48, 73 द 21, तो यहां आंसर आएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, डियर स्टूडेंट ये सब फिगर को हमने ऐड किया तो हमारे पास 30 आया, इसको हमने डिवाइड किया 5 पे तो हमारा आंसर आया 6। इसी तरह इसमें सबको ऐड किया और डिवाइड किया 13 पे तो हमारा आंसर आया 3। इन सब फिगर को ऐड किया और डिवाइड किया 4 तो हमारा आंसर आया 10। इसी तरह यहां 26, 3, 7, 6 और 8 को हमने जब ऐड किया तो हमारा आंसर आया और डिवाइड किया आंसर आया 50 और इसको हमने 10 पे डिवाइड किया हमारा आंसर आया 5। क्वेश्चन नंबर 25, विच नंबर इज ओड वन आउट, डियर स्टूडेंट यहां से पहला और लास्ट वाले को ऐड करना है, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 1 7, 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 5 7, 5 प्लस 3 7, 5 प्लस 3 8, तो 9 प्लस 3 12, ये जितने इससे पहले हैं सिंगल फिंगर में आ रहे हैं, जबकि 9 प्लस 3 डबल फिगर यानी 12, बाकी कोई 7 है कोई 8 है ये सिंगल फिगर हैं, जबकि 9 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास डबल फिगर 12 आ रहा है, इसलिए इसका ये डिफर कर रहा है बाकियों में से, इसलिए इसका आंसर आएगा 9 3 8।